एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 9 डे क्लास है और आज की क्लास जो मेरी है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग डिवाइस पर है। हमारी जो पिछली क्लास थी वो इनपुट डिवाइसेस पर थी। जिसने भी ना देखा हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के उस वीडियो को प्राप्त कर सकता है। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं कंप्लीट कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंप्लीट प्रोसेसिंग कंप्यूटर की कैसे होती है वो आज मैं इस टॉपिक के थ्रू क्लियर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी क्लास है बिकॉज इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन उनके क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है बिकॉज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट या प्रोसेसिंग डिवाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में। तो आज की क्लास बहुत ही जरूरी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप ध्यान दें, प्रोसेसिंग डिवाइस, मैंने अभी आप लोगों को हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर पिछली वीडियो में जो पढ़ाया उसके हार्डवेयर के 3 टाइप्स थे, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। मैंने पिछली क्लास इनपुट डिवाइसेस पर बनाया हुआ है, वो वीडियो भी बहुत जरूरी है। इनपुट डिवाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो ट्रिपल सी को लिया जाए, बेसिक किसी कंप्यूटर कोर्स को लिया जाए या कोई भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है। तो आप ध्यान दें, प्रोसेसिंग डिवाइस हार्डवेयर का जो दूसरा प्रकार है प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके अंतर्गत आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम कहें तो सीपीयू जो होता है कंप्यूटर में उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। कहने का मतलब यह है कि जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगता है, उस प्रोसेसर जहां प्रोसेसर लगता है उस स्लॉट को सीपीयू बोलते हैं, इसलिए उस पूरे बॉक्स को हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन करता है तथा कंप्यूटर के जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तथा कंप्यूटर में यूज होने वाले कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट्स को कंट्रोल करता है। वो इंटरनल पार्ट जैसे मेमोरी हो गया, एक्सटर्नल में कीबोर्ड है, माउस है, या इनपुट डिवाइसेस हम कह लें, आउटपुट डिवाइसेस कह लें। कहने का मतलब कंप्यूटर में यूज होने वाले सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही कंप्लीट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड पार्ट्स का कंट्रोलिंग किया जाता है। कंप्यूटर में जो सीपीयू, उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है जो सिलिकॉन का बना होता है, वो प्रोसेसर जो होता है इसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के कई प्रकार आप जान रहे होंगे। प्रोसेसर बेसिकली देखा जाए, अगर पॉपुलर प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर जो है जैसे इंटेल के प्रोसेसर आते हैं, एएमडी प्रोसेसर आता है, मोटोरोला का प्रोसेसर आता है, कई टाइप के प्रोसेसर आते हैं। प्रोसेसर में जैसे पेंटियम 4 है, डुअल कोर है, कोर 2 डुओ है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, इस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर जिस स्लॉट पे लगता है उसे सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू ही आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सिस्टम के कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तथा कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाले इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस सारे पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है। हम सीपीयू को और डीपली आपको समझाते हैं। आप देखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंक्लूड मेनली 3 पार्ट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंतर्गत मेन 3 पार्ट अवेलेबल होते हैं जो कंप्लीट प्रोसेसिंग को डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब इनपुट लेने से लेकर के प्रोसेस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, उसका रिजल्ट तैयार करना, फिर उसे आउटपुट डिवाइस को प्रेषित करने का सारा काम जो होता है वो मेन 3 यूनिटें होती हैं जिसके द्वारा होता है, जिसे बताया गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंक्लूड मेनली 3 पार्ट्स। देखें आप, तो फर्स्ट है आपका ALU। ALU मीन्स होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या इसे हम अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। सेकेंड है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जिसे मेन मेमोरी यूनिट कहा जाता है, वैसे मेमोरी 2 प्रकार का होता है, आगे आप लोगों को मेमोरी सेक्शन में पढ़ाएंगे, बट आज मैं कंप्लीट जो कंप्यूटर का मैंने एक डायग्राम यहां बनाया हुआ है, आप देखें कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक डायग्राम, मैंने कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाया है। कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, कंप्लीट प्रोसेसिंग जो होती है वो कंप्यूटर की कैसी होती है, मेन आज का जो मेरा टॉपिक है सीपीयू है। सीपीयू को मैं काफी डीपली बताऊंगा इसमें।
आप ध्यान दें, सेकेंड है आपका मेमोरी यूनिट एंड थर्ड है कंट्रोल यूनिट। तो ये सीपीयू के अंदर मेन पार्ट है, मेन तीन पार्ट है एलयू, एमयू एंड सीयू, और ये एमयू, एलयू एंड सीयू मिलकर के सीपीयू को कंप्लीट करते हैं। अब देखें हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एलयू, सीयू और एमयू का यूज क्या है। वैसे जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस का, जो मैंने कंप्लीट डायग्राम, कहने का मतलब एक कंप्लीट सिस्टम का डायग्राम हमने बनाया हुआ है, उससे आप बड़े आसानी से इसको समझ पाएंगे। आप देखें इनपुट डिवाइसेस में मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस लिखे हुए हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, अदर्स में बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीटली बताया कि इनपुट कितने प्रकार के होते हैं, उसके लिए आप पिछली वीडियो जरूर देख लेंगे। जो मैंने लिखा है वो मैं बता दूं, फिर उसको मैं समझाता हूं आपको। इनपुट डिवाइसेस हो गया, ये है सीपीयू मेन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर मेन तीन यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। यही तीन मेन यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें ये मेन तीन यूनिट होती है जो कंप्लीट प्रोसेसिंग करता है। आउटपुट डिवाइसेस देखें आप, जिसमें हमने कुछ डिवाइसेस के नेम लिखे हुए हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है एंड स्पीकर है। चूंकि आउटपुट जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, इसको मैं डीपली अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो इनपुट डिवाइस पर था, आज की वीडियो प्रोसेसिंग डिवाइस पर है, नेक्स्ट वीडियो मेरी आउटपुट डिवाइसेस पर होगी। अब देखें कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क करना चाहते हैं, कुछ भी यूजर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन कराता है। तो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को इन कराते हैं। तो ये देखें आप, कोई भी आउटपुट इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमने कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन को इन कराया, तो सबसे पहले ये डेटा मेमोरी यूनिट में जाता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। कहने का मतलब जब हमने भेजा कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट एक मास्टर यूनिट है, जैसे कंप्यूटर का बॉस भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उसको सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। यहां तक कि मेन यूनिट जो आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इसको भी इंस्ट्रक्ट करता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो सारे पार्ट्स को कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट करता है। तो यहां से जब हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन कराते हैं, तो फर्स्ट कंट्रोल यूनिट से होते हुए मेमोरी यूनिट में जाता है, मेमोरी यूनिट में उसको संग्रहित किया जाता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। कहने का मतलब जो निर्देशों का समूह होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, वो 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट 128 बिट्स, ये स्पीड डिपेंड करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो प्रोग्राम लेता है इनपुट में, हालांकि वो बिट्स में जाता है, लेकिन उसको मेमोरी यूनिट के थ्रू संग्रहित करके बाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो सबसे कम स्पीड है 8 बिट, 8 बिट मीन्स 1 बाइट, एक बाइट, सिंगल एक बाइट से कम वो नहीं लेता, 1 बाइट उसको चाहिए इनपुट के लिए। क्योंकि बिट में कोई भी इंस्ट्रक्शन वो लेता जरूर, लेकिन उसको संग्रहित करके प्रोग्राम बनाकर के निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और वो प्रोग्राम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है, और वो जो प्रोग्राम जाता है वो कम से कम 1 बाइट का होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। बिट बाइट जो हार्ड डिस्क मेमोरी को मापने की यूनिट होती है, बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स हैं। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन कराता है, तो कंट्रोल यूनिट से होते हुए मेमोरी यूनिट में जाता है, मेमोरी यूनिट्स में उन निर्देशों के कलेक्शन से प्रोग्राम क्रिएट करता है, प्रोग्राम बनता है, और वो प्रोग्राम सी कंट्रोल यूनिट के द्वारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है, और जिसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, बसेस कहते हैं। जब हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं मेमोरी में जाता है, और मेमोरी से उसका कलेक्शन, उसका ग्रुप बना करके मतलब प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, उसको कम से कम 1 बाइट का प्रोग्राम होना चाहिए, 1 बाइट में उसको कन्वर्ट करके फिर वो डायरेक्टली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अरिथमेटिक मतलब होता है अंकगणितीय, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। तो जो एलयू है उसे वह क्या करता है, वो अंकगणितीय तार्किक संचालन को करता है।
तो जब हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं मेमोरी यूनिट के द्वारा, वो कैश मेमोरी, चूंकि इसे हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं, कहने का मतलब ये संकलन करता है, उसका पंजीयन करता है, कहने का मतलब ये अंकगणितीय और तार्किक वर्क करता है। जो रजिस्टर होते हैं, एक क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में बार बार कि, या देखने को मिलता है हाई लेवल के एग्जामिनेशन में मिलता है कि यदि रजिस्टर की स्पीड रजिस्टर बढ़ा दिया जाए तो क्या कंप्यूटर के सिस्टम के स्पीड में कोई प्रभाव पड़ता है। अगर हम रजिस्टर को बढ़ा देते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। रजिस्टर कंप्यूटर की स्पीड, जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो रजिस्टर ही उसको मेंटेन करता है। जो मैंने अभी बताया आपको 8 बिट्स 16 बिट्स 32 बिट्स 64 बिट एंड 28 बिट्स, ये सब क्या है, ये कंप्यूटर की स्पीड है और ये रजिस्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहां से जाता है बसेस के माध्यम कैश मेमोरी के द्वारा एएलयू में जाता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और यहां पर उसका कंप्लीट, और एक चीज का आप विशेष ध्यान दें कि जो ये सीयू यूनिट है ये कंप्लीट कंट्रोलिंग करता रहता है, ये कंट्रोलिंग करता रहता है। इसके बाद कंप्लीट प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट तैयार करके मेमोरी यूनिट को ट्रांसफर किया जाता है, और फिर कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार वो आउटपुट डिवाइस को प्रेषित कर दिया जाता है। जैसे आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, या और भी जो भी आप आउटपुट डिवाइस है, जिस प्रकार का आपका आउटपुट है उस प्रकार की आउटपुट डिवाइस से उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो एक बार फिर से आप देखें, यूजर जो भी हैंडलिंग कर रहा है, वो जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से देता है, वो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के द्वारा वो मेमोरी यूनिट में जाता है, मेमोरी यूनिट में उस प्रोग्राम को ट्रांसफर किया जाता है एएलयू को, एएलयू में उसका कंप्लीट रिजल्ट बनाया जाता है। एएलयू मतलब अंकगणितीय एंड तार्किक। अंकगणितीय अगर सिंबल्स आप देखें तो आपको मालूम होगा प्लस माइनस एंड डिवाइड। डिवाइड को इस तरह से भी हम व्यक्त करते हैं या हम इस तरह से भी व्यक्त करते हैं डिवाइड को। ये सिंबल्स जो है आपके अंकगणितीय सिंबल हैं। अगर तार्किक में देखा जाए तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, या इस टाइप के जो ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल सिंबल्स हैं। तो क्या करता है ये तार्किक और अंकगणितीय वर्क करता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां से जब डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं मेमोरी यूनिट के थ्रू एएलयू को ट्रांसफर किया जाता है, जबकि सीयू यूनिट जो है वो कंप्लीट सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है और सभी पार्ट्स को, सभी डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट करता है, एक तरीके से वही चलाता है सबको। इसके बाद यहां कंप्लीट रिजल्ट तैयार करके मेमोरी यूनिट को दिया जाता है, और मेमोरी यूनिट के माध्यम से कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसे प्रेषित कर दिया जाता है उस प्रकार की आउटपुट डिवाइस को जिस प्रकार का आपका आउटपुट होता है। जिस प्रकार का आउटपुट का मतलब यह है कि आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट, विजुअल है कि ऑडियो है। हार्ड कॉपी में यदि हमें प्रिंटर पेपर पे चाहिए तो प्रिंटर से, अगर हमें बड़े फ्लैक्स वगैरह पे चाहिए तो हम प्लॉटर से रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जब इनपुट डिवाइस से डिटेल भेजते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है, सीपीयू में उसका कंप्लीट एएलयू सीयू और एमयू की मदद से कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाती है। उसके बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाता है आउटपुट डिवाइस को, जिसके द्वारा आपको रिजल्ट शो हो जाता है। यदि हमें मेमोरी यूनिट में देखिए आप एक एरो बना हुआ है मेमोरी यूनिट में, यदि हम उसको संग्रहित करना चाहते हैं परमानेंटली, अगर हम उसे सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहां से मेमोरी यूनिट को प्रेषित कर दिया जाता है और वो परमानेंटली स्टोर्ड हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये था आपके कंप्यूटर का कंप्लीट डायग्राम, जिससे आपको ये पता चला होगा कि इनपुट डिवाइसेस का क्या रोल है, सीपीयू का कंप्लीट रोल क्या है, वो कंप्लीट प्रोसेसिंग जो करता है किस टाइप में वर्क करता है, और वर्क कंप्लीट रिजल्ट तैयार करने के बाद ही आउटपुट डिवाइस को प्रेषित करता है जिसके द्वारा हमें उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो मेन आज का मेरा टॉपिक था प्रोसेसिंग डिवाइस। मैं आशा करता हूं कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है आप तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, फिर उससे रिलेटेड जो सजेशन होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।